ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं तैयार, कैमरों से मॉनिटरिंग का मंसूबा तैयार। शहर भर में ऑटोमेटिक स्पीड रीडर्स लगा दिए गए हैं तमाम बड़ी शहरों पर, हद रफ्तार के बोर्ड आवेजा, कैमरों की मदद से ओवर स्पीडिंग पर चालान किए जाएंगे। मंसूबे का मकसद ट्रैफिक हादसात में कमी लाकर शहर को महफूज बनाना, सेफ सिटीज अथॉरिटी हुक्काम। बड़े नाम पर बड़ी दो नंबरी एसी कैंट हैदर अब्बास बट्टू का पैकेजेस मॉल और हाइपर स्टार पर छापा। ग्राम फरोशी पर मैनेजर उमर फारूक और शाहिद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया, 1,00,000 रुपए जुर्माना। दोनों स्टोर की इंतजामिया अशियाए जरूरिया पर ग्राम फरोशी में मुलविस पाई गई, तर्जुमान जिलाई इंतजामिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले, इमरान खान का लाहौर में कब्जा माफिया और तजावजात पर इजहार तशवीश, फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़रा को सूबे का दौरा करने और स्वार रोज़ा प्लान की निगरानी की हिदायत। पंजाब में बदनवानी का खात्मा बड़ा चैलेंज है, अवामी मनसूबा का ऑडिट होगा। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाए, करप्शन में मुलाविस अफराद को एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। बल्दियाती निज़ाम को 10 बरसों में मफलूज रखा गया, नए पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम तरक्याती काम की असास होगा। बल्दियाती इदारों में निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली चाहते हैं, साथ ही सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम केपीके से भी बेहतर होगा। वजीर बल्दियात की वजीर आजम को इजलास में नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग। लाहौर पहुंचने पर रुकावटें क्यों खड़ी की, वजीर आजम बरहम, सख्त नोटिस। शहरियों की आसानी के लिए गैर जरूरी रुकावटें फौरी खत्म की जाएं, वजीर आजम इमरान खान की सूबाई हुकूमत को हिदायत। जमान पार्क में नादरा के खिलाफ शहरियों के एहतजाज का भी नोटिस, चेयरमैन नादरा को मुतासरीन से मुलाकात करने और फौरी मसाइल हल करने की हिदायत। आरिफ अलवी जहांगीर तरीन समेत वफ़द की चौधरी बरादरान से मुलाकात। आरिफ अलवी ने सदारती इलेक्शन में चौधरी बरादरान से हिमायत मांग ली, एहतसाब के बगैर कराची के हालात बेहतर नहीं हो सकते। इमरान खान का मशकूर हूँ, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दिया। आरिफ अलवी की चौधरी बरादरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मौलाना फजल रहमान का फोन आया था, वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। आरिफ अलवी को कामयाब कराने के लिए भरपूर मुहिम चलाएंगे। दिवालिया मशरत मिली जिसे बेहतर करना है, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की तरह सरकारी स्कूल्स का मयार बेहतर करेंगे। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, इस मसले को फौरी हल करेंगे। हमारा मकसद तालीम को फरोग देना और शोबे में बेहतरी लाना है। वजीर तालीम शफकत महमूद की नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगु, फैकल्टी मेम्बरान से भी मुलाकात। हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो चुका, हुकूमती मंशूर पर अमल दरामद के मुंतजर हैं। लोगों की मायूसी को खत्म करना नई हुकूमत का काम है। हुकूमत तब्दील हुई मगर आम आदमी के मसाइल बरकरार हैं, अमीर जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का दारुल शफकत का दौरा, बुशरा बीबी की दोस्त फरा खान भी हमरा। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए, खाना भी साथ खाया। खातूनी अव्वल ने यतीम बच्चों के साथ ग्रुप फोटो भी बनाया। खातूनी अव्वल की दाता दरबार पर भी हाजिरी, फातह खानी फूलों की चादर चढ़ाई।
शोबा सेहत की बेहतरी के लिए वजीर सेहत मुतहर्रिक डॉक्टर यास्मीन राशिद का PIC का अचानक दौरा, वार्ड में जाकर मरीजों की आयादत की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। बोले, मरीजों और उनके लवाहिकीन की शिकायत पर फौरी एक्शन होगा, बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। आप वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बनाने जा रहे? नहीं जी, फॉरवर्ड ब्लॉक की हमें ज़रूरत नहीं है। 100 से ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए। ये तो सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है, हम बरबला कर रहे हैं तहरीक इंसाफ में सबसे शामिल थे, तो हमें कोई परवाह नहीं। लाहौर का पूरा चेयरमैन का एक बहुत बड़ा ग्रुप आना चाहता है, मुश्किल होता है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। हमने तो इनको आमगीत जब इनका अरूज था तब छोड़ा है, हम पे तो कोई एलिगेशन है नहीं, ओपनली छोड़ा है। पांच लीगी चेयरमैन बागी, PTI ज्वाइन कर ली। पंजाब असेंबली से पहले जिले असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक, चेयरमैन UC 259 राशिद खोखर, UC 257 से मंजर अब्बास खोखर, UC 251 से राणा खुर्रम मुर्तजा शानो बाबा और UC 258 से मियां इफ्तिखार अहमद नए पाकिस्तान में आ गए। नून लीग ने धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया, मंजर अब्बास खोखर, 100 से जायद लोग PTI में शामिल होंगे, अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी का दावा। लीगी चेयरमैनों के बागी होने पर डिप्टी मेयर्स भी मैदान में आ गए। वफादारियां तब्दील करना आसान नहीं, ये पांचों बल्दियाती नुमाइंदे पहले भी नून लीग का हिस्सा नहीं थे। डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती और वसीम कादर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगु। भारी तनख्वाहें लेने वाले रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन आइंदा हफ्ते से पहले घरों को चले जाएं, रेलवे में बदनवानी के केसेस नैब को भेजेंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाहौर से रावलपिंडी का सफर एक घंटा कम करना ख्वाब है, असल मसला फ्रीट का है, मुसाफिरों का नहीं। रेलवे के साबिक दौरे हुकूमत में करप्शन हुई, रेलवे हुकाम ही बोल उठे। हुकाम ने नैब को तहकीकात के लिए खत लिख दिया, नाकिस क्वालिटी के 1800 हॉर्स पावर वैगन खरीदने का भी इल्जाम। आश्वान इकबाल हाउसिंग स्कैंडल, फवाद हसन फवाद अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए एहतसाब अदालत में रो पड़े। कैद तो कैद होती है कि आपको तिब्बी सहूलियात मैसर है, अदालत का फवाद हसन से मुकालमा, पाँव की उंगली में तकलीफ है, 30 साल से कमर दर्द में मुबतला हूँ, शुगर होने का भी खतरा है, फवाद हसन फवाद। अदालत ने फवाद हसन को मजीद 10 रोज के रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया, 11 सितंबर को पेशेंट करने का हुक्म। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई, शहरी कलमाए तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रावी दुनिया का दूसरा गंदा तरीन दरिया बन चुका, हम पानी बना नहीं मगर बचा तो सकते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, माहौलियाती इशूज पर जिले अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, जस्टिस फारूख इरफान खान, पानी और माहौलियात के मामले पर अब तक की जाने वाली कोशिशें काफी नहीं, जस्टिस अली बाकर नजफी, लाहौर हाईकोर्ट बार के जिले अहतमाम माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब, जस्टिस अली अकबर कुरैशी समेत दीगर जजेस और वकला की भी शिरकत। सूबा भर में 343 इमारतें इंतहाई हसास करार, मुहर्रम में 37,414 मजालिस मुनाकिद होंगी, 10,000 जुलूस निकाले जाएंगे, मजालिस और जुलूसों को चादर जाती सिक्योरिटी भी दी जाएगी, जबकि पंजाब काबीना ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। वाले कुल्फी में खोया नहीं, बादाम वाले कुल्फी में बादाम नहीं, कुल्फी में मसनूई फ्लेवर, गैर मियारी का माल और नाकिस सफाई पर 5 प्रोडक्शन यूनिट सील, मारूफ बाबा जी कुल्फी का मुल्तान रोड और 60 फीट रोड पर वाकई प्रोडक्शन यूनिट सील, अलमक्का कुल्फी हाउस, बाबा कुल्फी और बादामी कुल्फी के प्रोडक्शन यूनिट भी सील कर दिए गए, जबकि सारिफिन कुल्फी को
मुकम्मल तौर पर दूध और खोए से तैयार प्रोडक्ट समझकर खाते हैं फूड अथॉरिटी। ओगरा ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। एलपीजी 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। एलपीजी की कीमत 132 रुपए से बढ़ाकर 137 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1564 रुपए से बढ़कर 1613 रुपए हो गई। टाउन में मियां बीवी और दो बेटियों की पुरस्कार हलाकत का मामला। अमवाद दम घुटने के बायस हुई। तशद्दुद का कोई निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिस्म के नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। खुदकुशी या कत्ल, एक और पुरअसरार हलाकत। डिफेंस बी के इलाके से 26 साल मॉडल गर्ल की फंदा लगी लाश बरामद। अनम तनोली 2 माह कबल इटली से पाकिस्तान वापस आई थी। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तहकीकात भी शुरू। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा बैनुल अक्वामी फूड टेक्नोलॉजी नुमाइश का आगाज। 300 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी इदारों के स्टॉल्स सूबाई वजीरे सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने इफ्तिताह किया। बोले, पंजाब में तबाहाल सनअतों को बहाल किया जाएगा। सनअत के फरोग के लिए टेक्निकल एजुकेशन पर भी काम जारी। सिन्फे नाजुक भी किसी से कम नहीं। ग्रेफन इंटर क्लब में जिमनास्टिक चैंपियनशिप का फाइनल। 125 मर्दों खवातीन खिलाड़ियों में शानदार मुकाबले। ग्रेफन क्लब ने पहली, लकास स्कूल ने दूसरी पोजीशन अपने नाम की। कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। दिल्ली दे किन्ने मर्दे ने, किन्ने पहला तुम्हारे हाथ में है नखरा तेरा नी। और गाने पर रक्स, फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की मुलाजिम खातून मुसीबत में गिरफ्तार। आला अफसरान ने तस्वीर और वीडियोस अपलोड करने का नोटिस लिया। खातून के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। एएसएफ मुलाजमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी।